नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस एकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो भारत की प्रमुख बंदरगाह है। तो भारत की प्रमुख बंदरगाह की अगर हम बात करें तो 13 बड़े प्रमुख बंदरगाह हैं और 200 उनसे छोटे कि मध्यम प्रकार की बंदरगाह हैं। अगर आप बंदरगाहों की बात करें तो बंदरगाहें देश की प्रमुख आधारशिला होती है उसके आर्थिक विकास में, क्योंकि बंदरगाहों से आयात निर्यात बंदरगाहों के थ्रू होता है। तो कनेक्टिविटी के लिए बंदरगाह बहुत अच्छे होना चाहिए, साथ ही साथ बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए सड़कें बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भारत सरकार ने 2003 में 15 अगस्त 2003 को उस समय के तत्कालीन जो पीएम थे माननीय अटल जी थे, तो उन्होंने सागरमाला एक परियोजना आरम्भ की थी। और सागरमाला परियोजना का उद्देश्य ये था कि जितने भी बंदरगाहें हैं उनकी कनेक्टिविटी बड़े शहरों से हो जाए, जिससे कि जीडीपी बढ़े, साथ ही साथ कितने 12 नए स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे जो बंदरगाहों के पास में हैं। तो बंदरगाहों को कनेक्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए सागरमाला परियोजना का स्टार्टअप है। ठीक है, अब इसके बाद बंदरगाहें आती किस्में हैं। तो जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं ये केंद्र सरकार में के तहत आते हैं, जिनका नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, परंतु साथ ही साथ जो 200 छोटे मध्यम बंदरगाह हैं वो संवर्ती सूची में आते हैं, परंतु उसका प्रबंधन है ना वो राज्य सरकार के तहत होता है। छोटे प्रमुख बंदरगाहों का जो प्रबंधन है ना, देखरेख है, ये राज्य सरकारों के तहत रहता है। तो चर्चा करते हैं प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो पहला जो बंदरगाह हमारा बंदरगाह है वो कांडला है। कांडला ही कच्छ का रण, ये वाला एरिया किस में आता है, ये कच्छ के रण में आता है। तो ये पहला बंदरगाह है कांडला। कांडला बंदरगाह कैसा है, ये ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, ये ज्वारीय बंदरगाह है। इसके बाद अगला बंदरगाह है ये मुंबई बंदरगाह है, मुंबई के तट पर महाराष्ट्र में है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह एक खुला प्राकृतिक बंदरगाह है, यह एक खुला प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद महाराष्ट्र में कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। इसका पुराना नाम कौन क्या था, न्यू मुंबई इसका पुराना नाम था। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की विशेषता यह है कि यह पूर्णतः यंत्र चालित बंदरगाह है, मतलब मशीनों द्वारा चलता है पूर्णतः। यह 1988 में बनकर तैयार हो गया था और यह 12वां बंदरगाह था। ठीक है, अगला बंदरगाह है मरमू गोवा। मरमू गोवा जो कि गोवा महाराष्ट्र के मध्य में है, ज्वारी नदी के पास में। मरमू गोवा ज्वारी नदी के पास में यह बंदरगाह स्थित है, के पास स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला है, ठीक है, न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर मतलब कर्नाटक में आता है, न्यू मंगलौर। इसके बाद कोचीन है, कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह की अगर हम बात करें, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कोलंबो स्वेज कैनल का जो प्रमुख मार्ग है ना, इसी बंदरगाह से किसार से गुजरता है, इसलिए इसको पूर्व का वेनिस कहते हैं, इसको इस बंदरगाह को पूर्व का वेनिस। अगर इस बंदरगाह की विशेषता की बात करें तो अष्टमुदी झील है, सॉरी बेमनाथ झील है, और बेमनाथ झील में ही यह स्थित है यह बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, जिसको बेमनाथ झील को क्या कहते हैं, जिसको अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं इसको, जो कि वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। वेलिंगटन द्वीप है ना, इसी पर स्थित है। और एक समय अगर हम वेलिंगटन द्वीप की बात करें तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A उसी पर था, 6 किलोमीटर उसकी दूरी थी। ठीक है, तो ये कोचीन बंदरगाह की विशेषता है। अगला हम बात करते हैं, ये देखो ये सब पश्चिमी तट पर स्थित है, 1 2 3 4 5 6 जो डॉकयार्ड है ये पश्चिम तट पर स्थित है। अगला हम बात करें ये पूर्वी तट में, बी ओ चिदम्बरम, इसका पुराना नाम क्या था, तोती कोरिन इसका पुराना नाम था, नया नाम कर इसका 2011 में हुआ बी ओ चिदम्बरम। ये आपका तमिलनाडु में आता है, कोचीन ये केरल में आता है। इसके बाद चेन्नई, ये भी तमिलनाडु में आता है। चेन्नई की विशेषता ये है कि यह है सबसे पुराना डॉकयार्ड है, 1859 में बना, सबसे पुराना यही है, 1859 में बना।
यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, क्योंकि पानी की समस्या को लेकर इसको इसकी क्या खुदाई हुई थी, समझे ना। तो हुआ यह था कि यह एक गहरा बंदरगाह भी है, कृत्रिम बंदरगाह के साथ साथ खुदाई के कारण यह गहरा बंदरगाह भी है। मुंबई के बाद यह दूसरा बड़ा बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दूसरा बड़ा बंदरगाह कौन सा, चेन्नई, सबसे प्राचीन भी यही है। एन्नोर ये भी तमिलनाडु में है, एन्नोर की बात करें 2001 में स्थापित हुआ था, बनकर तैयार हो गया था। देश का पहला और बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है, जो कंप्यूटर से संचालित होता है। इसका 2014 में क्या हुआ कि 2014 में के कामराज थे जिन्होंने तमिलनाडु को स्थापित करने में प्रमुख योगदान उन्हीं का है, के कामराज। तो के कामराज इसका नाम हो गया, तो के कामराज पोर्ट लिमिटेड बंदरगाह इसका नया नाम बन गया 2014 में, के कामराज पोर्ट लिमिटेड बंदरगाह, किसका, एन्नोर का। कारण क्या था, क्योंकि तमिलनाडु के राज्य निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, यह वह एक कांग्रेसी नेता था। अगला है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आता है, सबसे गहरा बंदरगाह है, यह गहरा बंदर के साथ साथ यही प्राकृतिक बंदरगाह भी है। इसके बाद पारादीप उड़ीसा में आता है, महानदी के पास में है। इसका पोतराश्रय सबसे गहरा है, पोतराश्रय जो सबसे गहरा है, इसकी विशेषता ये। अगला कोलकाता, यही एक प्राकृतिक बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह मतलब हल्दिया के पास में, ठीक है, जहाँ पर हुगली नदी का मुहाना है। यह एक नदी पत्तन बंदरगाह है, साथ ही साथ यह ज्वार की बंदरगाह है। तो भारत में दो ज्वार की बंदरगाह है, एक कांडला है, कांडला कच्छ केरल के पास में गुजरात में, और दूसरा है कोलकाता जो कि ज्वार की बंदरगाह है। ये भारत के प्रमुख 13 प्रमुख और एक लास्ट में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। तो 13 प्रमुख बंदरगाह हमारे इस धार से। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।